अनार यानी पॉमग्रेनेट जिसे हम कहते हैं, बहुत ही हेल्दी फल है, लेकिन इसे खाने में बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाहट होती है। बस इसी एक कारण है कि अनार को छीले कौन, क्योंकि छीलना ही एक बहुत टिपिकल काम है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा बहुत ही ईजी सा मेथड बताऊंगी कि मिनटों में आप ढेर सारे अनार को छील सकते हैं और साथ साथ इन अनार को आप लंबे टाइम तक कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं कि रोज़ रोज़ आपको अनार छीलने की भी ज़रूरत न पड़े। तो बहुत ही आसान सा टिप्स है, बस उसे आप ध्यान से देखिए। बस एक दो बार प्रैक्टिस में आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे अनार छीलना कि एक बार में इकट्ठा अनार छील के और जैसे हम बताते हैं उस तरह से प्रिजर्व करके आप आराम से 10 से 15 दिन के लिए अनार को छील के स्टोर करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो टिप्स क्या है। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो ना आए तो आपको अपडेट तुरंत ही मिल जाए। तो ये देखिए, आज हम आपको दो अनार मिनटों में कैसे छील सकते हैं उसकी बहुत स्पेशल सी टिप्स बताने वाली हूँ। तो ये देखिए अनार है, क्या होता है इसका कोई स्पेशल मेथड नहीं है, बस आपको क्या करना है जो बता रहे हैं बस उसी तरह से आप इसको काटना और छीलना सीख लीजिए। तो देखिए दोनों साइड्स पे बने होते हैं, आप जिस साइड से भी चाहिए उस साइड से बस आपको जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से आप उस पर कट का निशान लगाइए। ये देखिए इसके जो ये टॉप पार्ट है इस पर इस तरह से फाइन नाइप से इस तरह से आप कट का निशान लगाइए। ये देखिए किस तरह से हम इसको कोना कोना देखे काट रहे हैं, यानी 5 कोने में इसको काट रहे हैं। ये देखिए इस तरह से कट गया। अब ये बहुत आसान हो गया, अब इसका जो ढक्कन है इसको इस तरह से हम निकाल के खोल देंगे। ये देखिए इसको खोलते हैं तो इसमें लाइंस बने होते हैं, 5 लाइन बनी होती है। तो ये जो वाइट वाला पार्ट है इसको आप हल्का सा हटाएंगे तो आपको लाइन दिखेगी और फिर आप इसको क्या करिए, नाइप से उन्हीं 5 लाइन पे 5 लाइन आप बना दीजिए। उसके छिलकों को हल्का सा नाइफ को अंदर गहरा करके आप पूरे छिलके को इस तरह से दबाते हुए निकालिए और नीचे तक पूरा नहीं कटना है, नीचे बेस पे जुड़ा रहना चाहिए, इस तरह से आपको करना है। तो देखिए इस तरह से हम 5 लाइन बनाएंगे, यानी 5 कट इस पर हम मारेंगे। देखिए इस तरह से बना रहे हैं, जहाँ जहाँ निशान है उसी पर आप ऐसे 5 कट लगा दीजिए। ये देखिए बस इस तरह से काट देना है। अनार बहुत आसान है छीलना, आप एक बार इस तरह से छील के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप आराम से इसको छील के और रख भी सकते हैं, उसका बहुत अच्छा सा मेथड है। ये देखिए फिर इसको हम किस तरह से खोल रहे हैं, आपको इसी तरह से इसको खोल देना है और नीचे से बेस इसका टूटने ना पाए, इसलिए देखिए नीचे सपोर्ट दिए हुए हैं हाथ पे और इस तरह से आप हल्का हल्का सा खोलेंगे खुल जाएगा। ये जो वाइट वाला इसका छिलका है ये बीच में सेंटर पर, इसको निकाल दीजिए। अब क्या करेंगे, ये देखिए अलग हो गया और नीचे से देखिए भी ये जुड़ा हुआ है। अब ये जब अलग हो जाते हैं तो बहुत आसानी से ये निकल आते हैं दाने। अब इन्हें हमें से टर्न कर देना है, नीचे से जिसके पार्ट्स हैं इसको आप ये जो नाइफ का जो मोटा वाला हिस्सा होता है ना उससे आप ऊंड से इस तरह से इसको पीटिए, या फिर आप कोई भारी तले वाला स्पून है मोटा तो आप उससे इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। तो इस तरह ठोकेंगे तो जितने दाने हैं ना वो बिल्कुल छिलके से अलग हो जाएंगे, तो आपको अलग अलग दाने निकालने नहीं पड़ेंगे। अब बस इस तरह से आप जो जितने भी पार्ट इसमें बनाए हैं ना उतना इस तरह से आप उसको ठोकते जाइए। ये देखिए किस तरह से इसको हम बीट कर रहे हैं, बस ऐसे बीट करेंगे सारे दाने बिल्कुल छिलकों से अभी बिल्कुल अलग हो जाएंगे। आप देखेंगे इसमें मिनटों में भी टाइम नहीं लगता, आप मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेगा आपको अनार छीलने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ना ही इस तरीके से आपके हाथ गंदे होंगे। बस एक बार आप मेहनत करके एक साथ 2 से 3 अनार छील सकते हैं, 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत आराम से छील देंगे, मिनटों में ये छिल जाता है। देखिए किस तरह से ठोक रहे हैं, बस ऐसे ही ठोक देना। आप ये देखिए सारे दाने आपको दिख रहे हैं, सब अलग हो गए, बस 1-2 दाने जो फंसे रह जाते हैं उसको आप हाथ से आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए जो इसका छिलका है वो भी कितनी आसानी से निकल आता है, नहीं तो ऐसे अलग अलग दाने जब निकालते हैं तो सारे छिलके भी इसमें चिपके रह जाते हैं, इस तरह से छिलके भी नहीं चिपकते हैं। देखिए सब जो जहाँ बचा हुआ है पीछे से अब इस तरह से प्रेस कर दीजिए। ये देखिए कितने आराम से सारा निकल गया, आप देख रहे हैं कितना क्लीन हो गया है, बिल्कुल इसमें कोई भी दाने नहीं है, 1-2 दाने जो फंसे हैं आप इस तरह से आप हाथों से आराम से निकाल दीजिए। 1 मिनट भी नहीं लगता है अनार आराम से छिलके, देखिए किस तरह से क्लीन हो गया पूरा। बस आप इसमें जो छिलके हैं आप उस दानों में से निकाल लीजिए, देखिए कितना बढ़िया सा छिल गया ना। बस हम आपको दूसरा भी बता रहे हैं, बहुत आसान टिप्स है, ऐसे ही आप छील सकते हैं। जैसे हमने देखिए एक साइड से काटा है, दूसरी साइड से हम आपको काट के दिखाएंगे। आप दोनों अनार में दोनों साइड से किसी भी टाइप साइड से काटिए, जिस तरह से बताए हैं 5 कोना करके काटा करिए इस ढक्कन को, तो आपके जो उसमें लाइन बने होते हैं वो क्लीन आपको दिखाई देंगे। देखिए किस तरह से नाइफ से देखिए अंदर डाल के 1 कट लगाए हैं और फिर जहाँ से आपने कट छोड़ा वहाँ से दूसरा कट इस तरह से देखिए लगा रहे हैं। देखिए नज़दीक से हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से ए शेप में बन रहा है। बस इसी तरह से हमको ये दूसरा भी कट लगाना है,
ऐसे इसी तरह से आप बनाएंगे तो ये जो नीचे जो जो इसमें रेसेस बने होते हैं निशान, वो आपको क्लीन दिखाई देने देंगे। ये देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 5 बार इस तरह से हमने कट किया। ये देखिए इस तरह से ढक्कन खुल गया। अभी जहाँ जहाँ हमने कट लगाया था बस उसी पे आपको इस जो छिलके हैं उनको दबाते हुए प्रेस करते हुए नाइफ से छिलकों को कट कर देना है, यानी अंदर तक इस तरह से देखिए हम नाइफ को डाल के इस तरह से कर रहे हैं, जिससे नीचे का बेस आपको बिल्कुल नहीं काटना है, नहीं तो आपको फिर ये ठोकने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह से आप पूरा छिलके को बस काटिए, ऊपर से नीचे का बेस बिल्कुल नहीं छूइएगा। ये देखिए किस तरह से हमने काटा, इस तरह से 5 पार्ट में आपने काट दिया। बस ये देखिए अब इसे टर्न कर देंगे, जैसे हमने बताया पहले इसको खोल लीजिए, पूरा 5 पार्ट था, इस तरह से आराम से खोल लीजिए। तो आपने देखा पहला अनार हमने दूसरे साइड से काटा था, या दूसरा अनार हमने उसके जस्ट अपोजिट साइड से काटा। ये देखिए बीच वाला जो आपको ये देखिए छिलका है किस तरह से सेपरेट हो जाता है, कितनी आसानी से इस तरह से निकल भी आता है। ये देखिए पूरा छिलका इस तरह से निकल आया है। अब फिर ये जैसे पूरा देखिए सब अलग अलग पीसेस हो गए हैं, अब इनको हाथ पे तुरंत ही बैक पे ऐसे टर्न कर देंगे हाथों में। ये देखिए इस तरह से करके, और नीचे से आप थोड़ा सपोर्ट दिए रहिए हाथ पे, और फिर ये नाइफ का जो पिछला हिस्सा है ये भारी है, ऊंट का है, इससे हम इस तरह से ठोक दे रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं कैसे दाने कितने आसानी से हाथ में आप देख रहे हैं गिरता जा रहा है दाना सा। ये देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है। बस 1 मिनट भी, ये 2 अनार छीलने में मुश्किल से 2 मिनट लगा है छीलने में, बहुत आसान सा टिप्स है। बस आप इसको 1 बार 2 बार जहाँ आप करने लगेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी अनार छीलने में, आपको अब मज़ा भी आने लगेगा। इस तरह से आप ढेर सारा अनार छील के और फिर आप स्टोर करके रख लीजिए, और अनार डेली खाना चाहिए। अनार के इतने सारे फ़ायदे हैं कि कई सारी बीमारियाँ, अगर आप सुबह सुबह अनार खाते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियाँ ऐसे ही छूमंतर हो जाएंगी। अगर आपको मॉर्निंग में उठते ही बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है, दिन भर आपको थकान सी महसूस होती है, तो आप समझ जाइए कि आपके बॉडी में ब्लड की कमी है, आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, आपको कैल्शियम की कमी है। ये अनार ये सारी चीज़ें आपको देता है। आप सिर्फ 1 हफ्ते इस तरह से मॉर्निंग में सुबह सुबह जब आप उठते हैं ना, तो उस समय जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उस टाइम पे आप 1 अनार छील के इस तरह से आप खाइए, और सिर्फ 1 हफ्ते बाद आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी वो जो प्रॉब्लम है वीकनेस वाली ख़त्म हुई कि नहीं। हड्डियों में दर्द होना, थकान महसूस होना, ये सब छूमंतर हो जाएगा। ये देखिए कितने क्लीन हो गया, देख सकते हैं छिलका बिल्कुल क्लीन है, बस 1-2 दाने इस तरह से बचे हुए हैं। तो बस 1 मिनट के अंदर आप इस तरह से 1 अनार छील के तैयार कर सकते हैं, और मिनटों में कई सारे अनार के दाने छील के आप इसे लंबे टाइम तक, कम से कम 15 से 20 दिन तक आप इसे आराम से रख सकते हैं। मैं आपको बहुत स्पेशल सा एक टिप्स बताऊंगी, उससे आपके दाने बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और बिल्कुल ऐसे फ्रेश बने रहेंगे। ये देखिए कितने सारे दाने निकल गए, हम आपको दिखा रहे हैं, और इसमें जो वाइट वाले छिलके छोटे मोटे बचे हुए हैं इनको हम निकाल के रिमूव कर देंगे, सब बाहर कर देंगे, और फिर हम इसको स्टोर करके आपको बताएंगे कैसे स्टोर करना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो छिलके हैं इसको हम निकाल रहे हैं, और इसमें थोड़ा बहुत जो रस भी निकल आता है उसे आपको नहीं निकालना है, क्योंकि हल्का फुल्का जब ये दाना जब इकट्ठा होता है ना तो नीचे से कुछ पानी जैसा रहता है। तो स्टोर करने से पहले आप क्या करेंगे, ऊपर से सारे दानों को इस तरह से पहले वाइट वाला छिलका निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए, और ऊपर से इस तरह से सारे दानों को हम स्टोर करेंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इन दानों को हम लंबे टाइम तक स्टोर कैसे करेंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम छील लेते हैं तो स्टोर कैसे करते हैं, तो इसके लिए बहुत आसान सा टिप्स है, तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए अब स्टोर कैसे करें, इसके लिए यहाँ पे आप लेंगे एक बॉक्स, ऐसा बॉक्स लीजिए जिसका एयर टाइट ढक्कन हो, यानी जब ढक्कन आप लगाएं तो उसमें हवा ना पास करे। तो देखिए इस तरह से हमने एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है, इसमें हम दानों को स्टोर करेंगे। तो आप इसमें लगा दीजिए टिश्यू पेपर, जो टिश्यू पेपर आपके घर में आसानी से मिल जाएगा, इस टिश्यू पेपर को आप इसके बेस पे लगा दीजिए, और जो टिफ़िन है बॉक्स है इसके कॉर्नर्स पे भी ऐसे पेपर साइड से मोड़ दीजिए, अगर बड़ा है ये टिश्यू पेपर तो इस तरह से मोड़ दीजिए। अब ये देखिए हमने इसको सेट कर दिया, बस ऐसे ही आपको सेट कर लेना है, नीचे बेस पे रहेगा ना, वो प्लास्टिक से टच नहीं होना चाहिए। टिश्यू पेपर क्या करेगा, उसमें भी जो एक्स्ट्रा वाटर है यानी जो एक्स्ट्रा जूस है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके ड्राई रखेगा, और आपका दाना बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अब ये देखिए हम सारे दानों को ऊपर से देखिए किस तरह से उठा उठा के डाल रहे हैं, यानी नीचे जो जूस भी है अगर हल्का फुल्का तो वो इसमें नहीं आना पाए। तो इस तरह से ऊपर से आप इसके दानों को अच्छे से निकाल के इसमें स्टोर करेंगे। तो देखिए सारे दानों को हम इस तरह से स्टोर कर रहे हैं, इस तरह से आप रखेंगे तो दानों को आप 10 से 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं, 15 से 20 दिन भी ये दाने चल जाते हैं। आप इसे फ्रिज में रखिए, तो इस तरह से बाहर नहीं रखना है, अगर इस तरह से स्टोर कर रहे हैं तो आपको इसको फ्रिज में ही स्टोर करके रखना है।
ये देखिए जो छिलके हैं थोड़े बहुत, उसको भी इस तरह से रिमूव करते जाइए। तो देखिए इस तरह से जो दाने बचे हुए हैं उसको भी लगा के इस तरह से इक्वली हम इसमें बॉक्स में बिछाते रहें इसे। अब ये देखिए सारे दाने इसमें लग चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब जो दूसरा टिश्यू पेपर, इसमें ऊपर से एक टिश्यू पेपर और लगा देंगे। तो नीचे हमने एक बिछाया था और एक ऊपर इस तरह से लगा देंगे। तो इसको इस तरह देखिए डबल फोल्डेड है, तो इसे हम खोल के अच्छे से बिछाते रहें। बस आपको क्या करना है, नीचे ऊपर दोनों साइड पे टिश्यू पेपर लगा देना है एयर टाइट कंटेनर में, और फिर आप इसको बंद करके ढक्कन को और फ्रिज में आराम से रख दीजिए, और रोज़ जब सुबह खाना हो तो आप इसे निकालिए और खा सकते। तो देखिए टिश्यू पेपर अच्छे से लग गया है। अब हम इसको लीड को लगा देंगे यानी इसके ढक्कन को इस तरह से बंद कर दीजिए, और फिर आप इसे फ्रिज में स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, और 10 से 15 दिन ना बिल्कुल आप बिना डरे हुए इसे यूज़ कर सकते हैं, और ख़राब नहीं होगा ये दाना। और ये अगर आप चाहिए तो इसकी टिप्स इतनी आसान है अनार छीलने की, तो आप चाहिए फ्रेश भी रोज़ एक अनार एक मिनटों में छीलिए और खाइए, या फिर इस तरह से आप रोज़ रोज़ नहीं चम्मच उठाना चाहते छीलने का, तो आप इस तरह से स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो, ये टिप्स अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने इस तरह से छीला स्टोर किया तो आपको कैसे इसका अनुभव हुआ, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर किया करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, हम आपके लिए वीडियो बना के ज़रूर लेके आएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।